दोस्तों ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग में दोस्तों ड्रीम टीम कैसे बनाते हैं, हैशटैग वन रैंक लगने वाली ड्रीम टीम कैसे बनाते हैं, हम आपको बहुत ही बारीकी से आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को बस एक ध्यान देना है कि आप लोग दोस्तों एक सेकंड की वीडियो को भी मिस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में एक एक सेकंड में दोस्तों ज्ञान भरा हुआ है दोस्तों। तो आप लोगों को बस एक ही गुजारिश है हमारी हाथ जोड़ की दोस्तों, आप लोगों को आज दोस्तों एक भी सेकंड की वीडियो मिस नहीं करना, जिससे दोस्तों आपको पूरा ज्ञान मिलेगा दोस्तों, पूरा ज्ञान मिलेगा और एक लाजवाब टीम बना सकेंगे। और लाजवाब टीम अगर बनेगी तभी दोस्तों आप हैशटैग वन रैंक लाने में गलती नहीं करेंगे दोस्तों। तो यहां पर देखिएगा देखिएगा हमारे पास कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, दोनों टीमों को मिलाकर हमारे पास 22 खिलाड़ी होते हैं, 22 प्लेयर होते हैं दोस्तों। 22 प्लेयर पर यहां पर देखिएगा सिलेक्शन परसेंट के हिसाब से दोस्तों हमारे पास तीन प्रकार के सिलेक्शन परसेंट बांटे गए। एक होता है दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट, दूसरा होता है दोस्तों योरेस्ट सिलेक्शन परसेंट। एक होता है हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट, दूसरा होता है योरेस्ट सिलेक्शन परसेंट और तीसरा होता है लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट। इस तीन प्रकार से हमने खिलाड़ियों को डिवाइड किया है दोस्तों। यहां पर 70 प्लस जिसका सिलेक्शन परसेंट 70 प्लस होता है उसे हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट में, जिसका सिलेक्शन परसेंट 30 से 70 के बीच में होता है उसे दोस्तों योरेस्ट सिलेक्शन परसेंट में, और जिसका सिलेक्शन परसेंट 30 से नीचे होता है उसे लोएस्ट सिलेक्शन परसेंट में रखा गया है दोस्तों। अब बारी बात आती है दोस्तों यहां पर 22 खिलाड़ियों को हमने किस प्रकार से डिवाइड किया, ये भी जानने की पूरी कोशिश की दोस्तों। 6 से 7 खिलाड़ी मान लेते, 6 प्लेयर होते हैं दोस्तों 22 खिलाड़ियों में जो हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट वाले होते हैं दोस्तों। यहां पर 6 खिलाड़ी होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट हाईएस्ट होता है, वहीं 8 से 9 खिलाड़ी दोस्तों, 8 से 9 खिलाड़ी होते हैं, 8 प्लेयर मिनिमम होते हैं और 9 तक हो सकते हैं, जैसे इसमें 6 से 7 तक हो सकते हैं। तो वहीं 8 से 9 प्लेयर वैसे होते हैं जिनका जो योरेस्ट सिलेक्शन परसेंट वाले, जिनका सिलेक्शन परसेंट 30 से 70 के बीच में होता है, और वहीं दोस्तों 7 प्लेयर ऐसे होते हैं, 6 से 7 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट लोएस्ट होता है अर्थात 30 से कम होता है। तो इस प्रकार से 6, 9, 6, 15, 7, 22 खिलाड़ियों की एक दोस्तों टीम होती है, दो टीमें होती है जिसमें 11-11 सदस्य टीम होते हैं। परंतु दोस्तों आप कहां पर गलती करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों जो 6 खिलाड़ी होते हैं आप क्या करते हैं, इन 6 खिलाड़ियों को पूरी तरह से उठा लेते हैं दोस्तों। जो हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट वाले 6 खिलाड़ी हैं आप उठा लेते हैं, और योरेस्ट सिलेक्शन परसेंट से 8 से 9 खिलाड़ी हैं इनको भी आप इन्हीं में से 5 लोगों को लेकर के एक 11 सदस्यीय आप टीम बना लेते हैं दोस्तों। और आप दोस्तों हैशटैग वन रैंक की तो बात छोड़ो, आप विनिंग जोन से बाहर हो जाते हैं दोस्तों। जहां पर आप गलती करते हैं यहां पर 99% लोग गलती करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप समझिएगा जिसका सिलेक्शन परसेंट हाई है, क्या कोई कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, जैसे वो एप्स पर जाता है दोस्तों वो यही बात तो करेगा, जिसका सिलेक्शन परसेंट हाई होगा उन्हीं खिलाड़ियों को लेकर एक बेस्ट यूनिक टीम बना लेता है जैसे लाइनअप घोषित होती है दोस्तों। बहुत सारे 99% लोग यही करते हैं, कोई वीडियो नहीं देखते, कोई किसी प्रकार की बात को नहीं सीखते, केवल उनको मतलब होता है दोस्तों एक टीम बनाने से, और दोस्तों वो भाग्य के सारे काम करते हैं। परंतु दोस्तों भाग्य कुछ काम नहीं करता, भाग्य भी बहादुरों का काम करता है। जो जैसा कर्म करेगा वह सफल पाएगा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे ते सफल चाका, इस संसार में जो जिस प्रकार करेगा उसी प्रकार से फल पाने वाला है दोस्तों। तो यहां पर आपको ये गलती नहीं करता करना जहां पर जो 99% लोग गलती करते हैं दोस्तों, क्योंकि 99% लोगों की हम हकीकत आपको सबसे पहले बताते हैं। 99% लोग जाते हैं ऐप्स में जाकर के एक हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट और योरेस्ट सिलेक्शन परसेंट के खिलाड़ियों को लेकर के एक बेस्ट टीम बना देते हैं दोस्तों, और उनके सपने दोस्तों 7वें आसमान पर चढ़ जाते हैं, और जैसे ही खेल चालू होता है उनकी रैंक अच्छी होती चली जाती है, और वो शुरुआत में मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, भी 4 व्हीलर, फिर एक अच्छा मकान, फिर बंगला बनाने और जहाज में उड़ते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों उनका जो सपना होता है दोस्तों वो चूर हो जाता है कब दोस्तों, जब बारी बारी खेलती है, दूसरी और 2 से 4 ओवर हो बचते हैं और उनकी रैंक खराब होती चली जाती है, तो भगवान से वो हाथ जोड़ते हैं और यही दुआ करने लगते हैं कि ईश्वर कुछ मत कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें करोड़ों नहीं चाहिए, हमें लाखों नहीं चाहिए, हमने जितने से एंट्री किया है 24 रुपया 39 रुपया वही हमें वापस कर दो दोस्तों। ये ड्रीम इलेवन की हकीकत होती है। तो दोस्तों आप इस दोस्तों सपने में मत फंसिएगा,
आप दोस्तों हकीकत सपने को हकीकत में बदलना है तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट दोस्तों यूट्यूब पर मात्र ऐसा चैनल है जो लगातार हर सीरीज के विषय में बताता है, सिखाता है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रेडिक्शन की वीडियो प्रोवाइड करता है, और प्रेडिक्शन की वीडियो प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों आपको अलग तरीके से एक दोस्तों एक यूनिक तरीके से कप्तान उप कप्तान की स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड करता है। ये दोस्तों ड्रीम क्रिकेट का एक अलग अंदाज है दोस्तों, ये अलग हटकर करता है दोस्तों काम। तो दोस्तों और चलते हैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर हम आपको बता दिया, आप यहां पर फंस जाते हैं तो यहां पर आपको करना क्या है, आप किस तरह दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल होता है, हर इंसान का हर दिन नहीं होता। कौन खिलाड़ी आपने अपने जीवन में देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े बैट्समैन आए, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते थे, प्रेम लारा तो 400 रन की नापाक पारी भी खेल चुके, वीरेंद्र सहवाग जो दोस्तों क्रिकेट इतिहास में 2 बार ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके दोस्तों, रोहित शर्मा दोस्तों, रवि शास्त्री दोस्तों, राम नरेश शर्मा, गिलक्रिस्ट, रीके पंटी, मैथ्यू हेडन, कहां तक की बात करें, संजू सैमसन, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए, और दोस्तों उनको भी आपने देखा होगा, क्या वो सब खिलाड़ी लगातार सेंचुरी बनाए, लगातार रन बनाए? नहीं दोस्तों, कई बार हमने सचिन तेंदुलकर को भी 0 पर आउट होते हुए देखा, कई बार सचिन तेंदुलकर को 90 नर्वस का शिकार होते हुए देखा। तो दोस्तों एक हर बल्लेबाज की से हर टीम में उसका दिन नहीं होता, हर बल्लेबाज का हर दिन नहीं होता, तो कौन बल्लेबाज कब चल जाए इस पर दोस्तों उम्मीद लगाना, इस पर दोस्तों 100% दे देना, ये दोस्तों एक जोखिम भरा होगा। तो दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, आप रिस्क लीजिएगा दोस्तों, मान लेते हैं जैसे रोहित शर्मा आपके नहीं चल रहे, मानते, परंतु आप ये तो जानते कि रोहित शर्मा जिस दिन भी चल गए उस दिन दोस्तों किसी भी बल्लेबाज की खैर नहीं होगी। दोस्तों आपने देखा होगा इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच दोस्तों सीरीज चल रही थी, टी ट्वेंटी मुकाबला चल रहा था दोस्तों, 5 मैचों की सीरीज थी, जहां 2 मैचों में दोस्तों सूर्य कुमार यादव बिल्कुल नहीं चले थे, और दोस्तों लोग सूर्य कुमार को लेना बंद कर दिया था, परंतु दोस्तों हमने क्या किया था दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को ही कप्तान बनाया था, कुलदीप यादव को एक तीसरे मैच में न्यू तरीके से शामिल किया गया था, न्यू खिलाड़ी के रूप में दोस्तों उन्हें हमें वाइस कैप्टन बनाया था। दोस्तों आप समझिएगा, आखिर चयनकर्ता कप्तान कोच एक न्यू खिलाड़ी को क्यों शामिल करता है, क्यों शामिल करता है? या तो उस खिलाड़ी का उस पिच पर अच्छा रिकॉर्ड होगा, या वो खिलाड़ी दोस्तों उस तरह के पिच पर खेलने के लिए माहिर होगा, तब तो दोस्तों न्यू खिलाड़ी को लेकर आते, और आप दोस्तों उसका दोस्तों सिलेक्शन परसेंट न्यू खिलाड़ी का कम होता है, आप उस पर गलती कर जाते हैं दोस्तों और आप उसे नहीं लेते। हमने दोस्तों 30-20 में वही किया दोस्तों, जो कप नहीं चल रहे थे खिलाड़ी ब्रांडन किंग को लिया दोस्तों, बिल्कुल फ्लॉप हो रहे थे, एक ही मैच में 27 रन बनाए थे, उसके बाद फ्लॉप हो रहे थे, उसके बाद जो खिलाड़ी फ्लॉप हो रहे थे दोस्तों उन्हीं खिलाड़ियों को हमने अपनी टीम पर रखा, और दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी फ्लॉप हो रहे थे उनको टीम में रखा, और उसके बाद दोस्तों टीटी पर आए दोस्तों और लाखों रुपए जीता। तो आप लोग भी इसी प्रकार का दोस्तों एक अपनाएंगे, यहां पर देखिएगा आपको दोस्तों क्या करना है, यही 30% में दोस्तों न्यू प्लेयर भी शामिल होता है, आप समझिएगा न्यू प्लेयर कहां शामिल होगा, वो लोएस्ट सिलेक्शन परसेंट में शामिल होगा, क्योंकि वो नया आया है। तो दोस्तों वहां पर आपको अपनी टीम बनाते समय इस खिलाड़ी को कभी भी नहीं छोड़ना दोस्तों, क्योंकि न्यू प्लेयर शामिल होने का हमने रीजन बताया, आखिर वो टीम पर क्यों शामिल हुआ, तो आप लोगों को इस खिलाड़ी को कदापि नहीं छोड़ना, अगर हो सके तो दोस्तों कप्तान या वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप कहां पर गलती करते हैं दोस्तों, आपके दिमाग दिलों में कोई ना कोई प्लेयर दोस्तों दिल कर जाता है, राज कर जाता है, मान लीजिए रोहित शर्मा आपके दिलों में राज कर रहे हैं, रोहित शर्मा आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं, लगातार रन नहीं बना रहे, फिर भी दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, रोहित शर्मा को अपनी टीम से बाहर नहीं कर पा रहे दोस्तों, अगर रोहित शर्मा को अपनी टीम से बाहर ही नहीं कर पाए दोस्तों, आप कैसे हैशटैग वन रैंक लाएंगे दोस्तों? तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको दोस्तों हैशटैग वन रैंक लाना है तो बहुत ही दोस्तों संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आजकल
ढाई 300 रुपए कमाने के लिए दोस्तों 8 से 10 घंटे दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, फावड़ा करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, और यहाँ तो बात करोड़ों और लाखों रुपए की होती है, तो यहाँ पर आपको कितने दिमाग की जरूरत है दोस्तों। भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य दोस्तों कर्म से बदला जा सकता है। मान लेते हैं पीतल के कटोरे को, एक पीतल के कटोरे को सोना तो नहीं बनाया जा सकता, परंतु दोस्तों रगड़ रगड़ कर, घिस घिस कर सोने जैसी चमक जरूर उत्पन्न की जा सकती है दोस्तों। तो आप लोगों को हम बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल से दोस्तों लग जाइएगा, और आप बेस्ट यूनिक टीम इस तरह से नहीं कि आप हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन और योरेस्ट सिलेक्शन पर्सन से लेकर एक बेस्ट यूनिक टीम बनाएंगे दोस्तों। तो आओ चलते हैं किस प्रकार से बनाना है आपको बेस्ट यूनिक टीम दोस्तों, तो ड्रीम टीम किस प्रकार से बनाएंगे। तो दोस्तों जो हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सेंट है, जिनका सिलेक्शन पर्सन 70+ है, वहां से हमें 3 प्लेयरों को लेना है। कितने प्लेयरों को लेना है? 3 प्लेयरों को लेना है। और जो का सिलेक्शन पर्सेंट 30 से 70 के बीच में, वहां से हमें 5 प्लेयरों को लेना है। और जिनका सिलेक्शन परसेंट दोस्तों लोवेस्ट है, 30% से कम है, वहां से 3 प्लेयरों को लेना है। और एक 11 सदस्यीय दोस्तों टीम बना लेनी है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको कप्तान कप्तान चुनना है दोस्तों। तो कप्तान कप्तान चुनने का वीडियो हम एक अगल दोस्तों एक अलग से प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी? एक बेस्ट ड्रीम टीम बन जाएगी और आप #1 रैंक ला सकते हैं, नहीं तो दोस्तों विनिंग जोन पर तो जरूर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी यह जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और भाई के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे, जिससे हमारा मोटिवेशन और दुगना हो सके और हम आपको बेस्ट से बेस्ट जानकारी दे सके। और दोस्तों एक सीक्रेट बात कहना भूल गया दोस्तों, हम दोस्तों लगातार आपको पल पल की जानकारी देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे दोस्तों। टेलीग्राम को जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा, बार बार बताते हैं। वहीं पर दोस्तों हम फाइनल टीम भी देते हैं किसी भी मैच की दोस्तों, वो भी टॉस होने के 10 मिनट बाद दोस्तों फाइनल टीम भी देते हैं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।